वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इडियम्स एंड फ्रेजेज में आज भी पांच इडियम्स एंड फ्रेजेज प्रस्तुत है आप सबके लिए। आज का पहला है बर्न द मिडनाइट ऑयल, हिंदी होगी इसकी रात में देर तक कार्य करना। दूसरा है एट लॉगर हेड्स, मतलब शत्रुता की स्थिति में। फिर है व्हाइट लाई, व्हाइट लाई मतलब सफेद झूठ। देन हॉलमार्क मतलब प्रमाणिकता या पहचान। फिर है मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब तुच्छ आदमी। पहला है बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका देखिए ये जो फ्रेज है इसकी उत्पत्ति तब हुई है, स्पष्ट समझ में आ रहा, जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता था। क्योंकि बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब कि तेल जलाना है मिडनाइट तक, तेल जलाना है मिडनाइट तक। तो जो भी कार्य करते हैं देर तक तो तेल जलाना पड़ेगा प्रकाश के लिए, तो इसीलिए बर्न ऑयल कर दिया, तेल जलाना। तो लाइट रहेगा तभी कोई भी काम कर पाएगा। साथ में मिडनाइट मतलब मिडनाइट से संबंध हो, समझ में आ रहा है कि देर तक, तो इसलिए इसकी हिंदी हो गई रात में देर तक कार्य करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब रात में देर तक कार्य करना। एक स्टूडेंट जिनका एग्जाम होता है उस वो अभी देर तक पढ़ते हैं तो कहते हैं कि स्टूडेंट बर्न द मिडनाइट ऑयल कर रहा है, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल कर रहा है, देर तक वो पढ़ रहा है। नाउ इसका सेंटेंस में जो होगा, अ डिवोटेड पर्सन बर्न्स द मिडनाइट ऑयल। डिवोटेड मतलब समर्पित, एक समर्पित आदमी बर्न्स द मिडनाइट ऑयल मतलब रात में देर तक कार्य करता है। जो समर्पित होता है वह रात में देर तक कार्य करता है। फिर दूसरा है एट लॉगर हेड्स, ध्यान रखिए लॉगर हेड्स एस रहेगा हमेशा, लॉगर हेड्स पढ़ते हैं इसे। लॉगर हेड्स का मतलब होता है, आपने जानवरों को देखा होगा लड़ते, सिंह से लड़ते हैं। अगर आपने दो बुल का लड़ाई देखा होगा तो सिंह सिंह से लड़ते हैं वो अधिक, ऐसे ही गोट का लड़ाई भी आपने देखा होगा। तो जानवर जो सिंह से लड़ते हैं तो जो लड़ने की स्थिति होती है उसे बोलते हैं लॉगर हेड। हम लोग भी जब आप देखते हैं रेसलिंग देखते होंगे तो शुरू में दो हाथ करते हैं, एक पर्सन आगे फिर दूसरा पर्सन दो हाथ आगे, फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, वो जो सीन होता है उसे बोलते हैं लॉगर हेड्स, राइट। तो लॉगर हेड्स का मतलब होता है शत्रुता की स्थिति में। डेफिनेटली ये जो पोजीशन है शत्रुता से ही संबंधित है। अगर स्पोर्ट्स को माइनस कर दें, कुश्ती को माइनस कर दें, तो जब लड़ता है कोई पशु या मानव तो जो स्थिति होती है दोनों हाथ आगे करके चाहे सिंह सिंह से लड़ना कहलाती है, वो स्थिति लॉगर हेड्स। लेकिन अब एट लॉगर हेड्स की हिंदी होगी शत्रुता की स्थिति में। सेंटेंस में यूज किया राम एंड श्याम आर एट लॉगर हेड्स, राम और श्याम शत्रुता की स्थिति में हैं, राम और श्याम शत्रुता की स्थिति में हैं। अब हो गया तीसरा, तीसरा है व्हाइट लाई, व्हाइट मतलब सफेद, लाई मतलब झूठ, सफेद झूठ इसकी हिंदी हो रही है और इसका हिंदी भी सफेद झूठ ही है, यह एक फ्रेज हो गया। तो व्हाइट लाई कब बोलते हैं, व्हाइट लाई किसे कहते हैं, जैसे कोई बच्चा है, छोटा चाइल्ड है, चाइल्ड कोई ड्राइंग करता है कुछ भी बना देता है उसका मर्जी, फिर उस पर कुछ कलर भी कर देता है। जब हमसे पूछता है कि वो ड्राइंग कैसा है तो हम में से ऑलमोस्ट सभी क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा, अच्छा बनाया है, जबकि वो क्या है, झूठ है। क्या है, व्हाइट लाई। व्हाइट लाई किसे कहते हैं, ऐसा झूठ जो झूठ तो है लेकिन दूसरे को उससे हानि नहीं पहुंच रही है और दूसरे को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, उसे बोलते हैं व्हाइट लाई, सफेद झूठ। ऐसा है, समझ गए होंगे आप। तो ऐसे ही बच्चा जो बनाता है तो उसको इनकरेज करने के लिए हम झूठ बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा किया, इससे बच्चे को हानि नहीं हो रही और बच्चा खुश भी हो रहा है, इसे बोलेंगे व्हाइट लाई। इट इज बेटर टू टेल अ व्हाइट लाई, एक सफेद झूठ कहना अधिक अच्छा होता है, इंस्टीड ऑफ के बदले में
हर्टिंग अ चाइल्ड, एक बच्चा को चोट पहुंचाने के बदले में सफेद झूठ बोलना अधिक अच्छा होता है, यूज किया इसको। फिर हॉलमार्क, हॉलमार्क का मतलब क्या होता है? आप देखते हैं सोने चांदी के आभूषण पे मार्क होता है, उस मार्क को ही देखकर आपको आभूषण खरीदना चाहिए। आप बहुत एड में भी देखते हैं। तो हॉलमार्क क्या है? हॉलमार्क एक प्रमाणिकता है कि जिस आभूषण पे, जिस ऑर्नामेंट पे वो मार्क है, वह ऑर्नामेंट सही है, ओरिजिनल है। तो उसी हॉलमार्क को हम आभूषण से हटकर भी जनरल इंग्लिश में प्रयोग कर देते हैं। पहले हॉलमार्क की हिंदी तो आपने देख लिया है, प्रमाणिकता चाहे पहचान। तो हार्ड वर्क इज द हॉलमार्क, कठिन परिश्रम पहचान है किसका? ऑफ अ सिंसियर स्टूडेंट, सिंसियर मतलब ईमानदार, ईमानदार विद्यार्थी का पहचान क्या है? कठिन परिश्रम। ईमानदार विद्यार्थी का पहचान है कठिन परिश्रम। ईमानदार विद्यार्थी है तो कठिन परिश्रम करेगा ही करेगा। नाउ लास्ट वन इज मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है पुआल। पुआल आप जानते हैं, जब धान की फसल से धान को निकाल लेते हैं, जो बचता है रेजिड्यू, जो बचता है उसे कहते हैं पुआल। आप इसे फूस भी कह सकते हैं, फूस। तो आप जानते हैं जब धान निकाल लिया तो पुआल का महत्व काफी कम होता है। ऐसे अभी तो बायो डीजल बहुत सा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं पुआल से, बट जब नहीं थे तो पुआल का महत्व ही नहीं होता था। तो ऐसे ही मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है तुच्छ आदमी। तुच्छ मतलब नीच भी कह सकते हैं, हम नीच आदमी भी कह सकते हैं, तुच्छ आदमी भी कह सकते हैं। होता कैसे है, जैसे किसी के घर में कोई बेगर आता है, कोई भिखारी आता है, आपसे कुछ मांगता है, तो बहुत सारे घर वाले उसको भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसे समझते हैं कि वह मैन ऑफ स्ट्रॉ है। दूसरा एग्जाम्पल, किसी घर में कोई लड़का न ठीक से पढ़ाई किया, न घर का काम ठीक से करता है, न उसके कुछ करने का अवसर दिखता है, तो घर वाले बोलते हैं कि बेकार है। बेकार है मतलब मैन ऑफ स्ट्रॉ है, तुच्छ आदमी है परिवार के लिए। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ ऐसे पर्संस के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। बहुत अमीरों का पार्टी चल रहा है, वहां पे कोई एक गरीब पहुंच गया तो उस गरीब को वो लोग मैन ऑफ स्ट्रॉ कह देंगे। ऐसा भी मतलब मैन ऑफ स्ट्रॉ की सिचुएशन क्या क्या हो सकती है? एक स्टैंडर्ड के लोगों के बीच दूसरा बहुत ही निम्न स्टैंडर्ड का पर्सन पहुंच जाता है, तो उसको बोल देते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। जैसे बिजनेसमैन है और वही एक फार्मर है, सिंपल फार्मर, तो वो लोग क्या बोल देंगे कि ये तो मैन ऑफ स्ट्रॉ है, राइट। तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब तुच्छ आदमी। अ पर्सन विदाउट कंप्यूटर नॉलेज, एक पर्सन बिना कंप्यूटर की जानकारी का, इज लाइक अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, एक तुच्छ आदमी के समान होता है। इन दिस डिजिटल वर्ल्ड, इस डिजिटल दुनिया में बिना कंप्यूटर की जानकारी का एक आदमी तुच्छ आदमी के समान होता है, कम इंपोर्टेंस वाला होता है। तुच्छ आदमी, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या हुआ? तुच्छ आदमी मतलब इंपोर्टेंस लेस, इम्पोर्टेंस लेस, जिसका महत्व नहीं है, यूज नहीं है, महत्व नहीं है, कोई मान नहीं है उस परिवार में चाहे उस ग्रुप में, उसे बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। नाउ कोशिश किया है समझाने का पूरा। पहला हमने देखा था बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब रात में देर तक कार्य करना। फिर है एट लॉगर हेड्स, हेड्स ही रहेगा और लॉगर्स नहीं करना आप, लॉगर हेड्स रखना शत्रुता की स्थिति में। फिर व्हाइट लाई भी समझाया आपको, व्हाइट लाई ऐसी झूठ जो झूठ तो है लेकिन उससे किसी को हानि नहीं पहुंचती है और जिससे बोलते हैं उसको खुशी मिलती है, बोलते हैं सफेद झूठ। हॉलमार्क मतलब प्रमाणिकता पहचान, मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब पुआल फूस, तुच्छ आदमी। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।